आते हैं तो हमें अपेस्ट्रॉफी के रूल्स बहुत काम आते हैं। अपेस्ट्रॉफी यह कॉमा के रूप में लिखा होता है और साइड में एस लिखना होता है। जब हम किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध बताने के लिए हम अपेस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। अपेस्ट्रॉफी यदि पहचान देखा जाए तो हिंदी वाक्य में आपको का की के रूप में लिखा होता है। हम जानेंगे कि ये दोनों लिविंग थिंग्स हैं। सजीव सजीव के बीच जब हमें संबंध बताना होता है तब हम एपिस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। जब हम सजीव का निर्जीव के साथ, लिविंग थिंग्स के साथ नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना होता है तब भी हम एपिस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं, मतलब निर्जीव वस्तु हैं, इनका आपस में संबंध बताने के लिए हम ऑफ का यूज करते हैं। तो चलो इस रूल को अच्छे से समझते हैं। किसी सजीव का किसी दूसरे सजीव के साथ संबंध बताने के, ये दोनों सजीव वस्तु है, मान लीजिए कि ये अन्नू है, ये सोनू है, ठीक है। तो हम ये दोनों लिविंग थिंग्स हैं, इनके बीच का संबंध, हम बहन का रिश्ता है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो फिर इस भाई बहन के बीच के जो रिश्ता है इसको बताने के लिए एक रिलेशन फाइंड आउट हुआ है, इस रिलेशन को हमें बताने के लिए अपेस्ट्रॉफी का यूज करना होता है। जैसे कि सोनू अनु की बहन है तो सोनू इज अनुस सिस्टर। पहचान है की, जो कि हिंदी वाक्य में की आया है और अपेस्ट्रॉफी यूज हुआ है इंग्लिश में। रामू प्रिंस का मित्र है। रामू और प्रिंस इन दोनों के बीच में रिलेशन फ्रेंड का है और रामू प्रिंस दोनों लिविंग थिंग्स हैं, इसलिए हम यूज करेंगे अपेस्ट्रॉफी। तो इसका सेंटेंस बनेगा रामू इज प्रिंसेस फ्रेंड। किसी सजीव का दूसरे निर्जीव वस्तुओं के बीच संबंध बताने के लिए, रिलेशन बिटवीन लिविंग टू नॉन लिविंग थिंग्स। ये लिविंग थिंग्स है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, इनके बीच में जब हमको संबंध या रिलेशन बताना होता है तब हम अपेस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। वह राम का घर है, हिंदी वाक्य में का की आया है, देख सकते हैं। वह दूर है इसलिए डेट यूज होगा, डेट इज राम्स हाउस। राम एक लिविंग थिंग्स है, घर नॉन लिविंग थिंग्स है, इन दोनों के बीच में रिलेशन बताने के लिए हमें अपेस्ट्रॉफी का ही यूज करते हैं। यह रोनी की कार है, मान लीजिए यह रोनी है, इसकी कार यह है, यह लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग, इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें अपेस्ट्रॉफी का यूज करते हैं। दिस इज रोनीज कार। किसी निर्जीव का किसी दूसरे निर्जीव वस्तु के साथ संबंध बताने के लिए हमें ऑफ का यूज करते हैं। ऑफ लिखते हैं, इसका भी हिंदी वाक्य में अर्थ का की के रूप में लिखा होता है। रिलेशन बिटवीन नॉन लिविंग थिंग टू नॉन लिविंग थिंग, ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इनका आपस में रिलेशन बताने के लिए हम ऑफ का यूज करते हैं। सारी चीजें जो है वो निर्जीव है, निर्जीव का निर्जीव के साथ संबंध बताने के लिए हम ऑफ का यूज करेंगे। यह मोबाइल का कवर है, मोबाइल एक निर्जीव है, कवर भी निर्जीव, इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन या संबंध बताने के लिए हमें ऑफ का यूज किया गया है। दिस इज कवर ऑफ मोबाइल्स। ये एक चेयर कुर्सी है, इस कुर्सी के ये चार पाया है, ये कुर्सी एक निर्जीव वस्तु है, इसके पाया भी निर्जीव वस्तु, इन दोनों के बीच में आपस में रिलेशन बताने के लिए हमें ऑफ का यूज करेंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा है यह कुर्सी का पाया है, तो हम इसे लिखेंगे इंग्लिश में दिस इज अ लेग ऑफ द चेयर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नॉन लिविंग थिंग्स में हम ऑफ का यूज करते हैं। ये आपका होमवर्क है जो कमेंट बॉक्स में लिखना होगा आप।